हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। मैं आपके कमेंट्स को रैंडमली पिक करूंगा और उन सभी के आंसर्स दूंगा, ताकि आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उन सबको बहुत फायदा हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। तो लेते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है राजेश साइनी का। इन्होंने लिखा है, सर मैं मेरे गाने कहाँ सेल करूँ? देखिए, गाने सेल करने के लिए आपको यूजुअली प्रोड्यूसर से मीटिंग करनी पड़ती है, या फिर आप म्यूजिक डायरेक्टर से मीटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप प्रोड्यूसर से मीटिंग करें, और प्रोड्यूसर से मीटिंग करके आप अपने गानों को एज अ सैम्पल वहाँ पर दिखाएं, और फिर वो जो सिचुएशन देते हैं अपने फिल्म के हिसाब से, अपने सीन के हिसाब से, उसके अनुसार आप उनको गाने रेडी करके देख सकते हैं। तो यहाँ यूजुअली ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कमेंट है नितिन वारने का। इन्होंने लिखा है, सर जी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मेंबर होना ज़रूरी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, स्टोरी या फिर स्क्रीन प्ले या किसी भी चीज़ को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए SWA का मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ का मेंबर होना पड़ेगा, तभी आपके पास राइटर का कार्ड होगा और आप एलिजिबल हो पाएंगे राइटर के कार्ड के थ्रू अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन इनका है, अगर मेरे पास मेंबरशिप नंबर नहीं है लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड कराना है तो क्या करना होगा? देखिए, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, आपको कार्ड बनवाना ही पड़ेगा SWA से। थर्ड क्वेश्चन इनका है, मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबर बनने के लिए आपको SWA की मेंबरशिप लेनी होगी। आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी राइटर का कार्ड बनवा सकते हैं। राइटर का कार्ड ऑनलाइन बनती है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे और जो फ़ी है वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी। SWA की फ़ी के साथ हमारी जो मिनिमल चार्जेस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और फिर आप यहाँ से भी राइटर का कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और ऐसे कुछ दिनों बाद इस पर एक डिटेल वीडियो भी आएगी कि कैसे राइटर कार्ड ऑनलाइन बनवाना है, क्योंकि अभी भी प्रोसेस जो है वो फिक्स नहीं है राइटर कार्ड बनवाने का। अभी जो है उस पर टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है, इसलिए मैं वीडियो इस पर नहीं बना रहा हूं। तो जब भी वीडियो आएगी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि अगर आप राइटर का कार्ड अभी बनवाना चाहते हैं तो आप हम लोगों के थ्रू बनवाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। नेक्स्ट कमेंट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है राजू केदार का। इन्होंने लिखा है, सर मैं नया राइटर हूँ, क्या फिल्म स्क्रिप्ट में फिल्म का नाम लिखना ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन करते टाइम SWA अपनी स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन करेगी? जी हाँ बिल्कुल, जब भी आप SWA में अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी फिल्म का टाइटल ज़रूर लिखना पड़ता है। हालांकि आपके फिल्म का टाइटल जो है वो SWA में रजिस्टर तो नहीं होता है, लेकिन आपको वहाँ पर टाइटल लिखना पड़ता है, ताकि ये टाइटल जो है ये आपके वर्किंग टाइटल के जैसा काम करे। आपको अगर मान लीजिए आपके स्क्रिप्ट का टाइटल जो है वो फिक्स नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक वर्किंग टाइटल डाल सकते हैं, यानी काम चलाने के लिए आप एक टाइटल डाल सकते हैं। बाद में जब वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर प्रोड्यूसर खुद उसे चेंज करके उसे रजिस्टर करवाएंगे, उस टाइटल को रजिस्टर करवाएंगे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में। नेक्स्ट कमेंट है SM इंफ्राटेक का। इन्होंने लिखा है, राइटर कार्ड अलग और डायरेक्टर कार्ड अलग बनवाना पड़ता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, राइटर कार्ड जो है वो बनती है SWA में, यानी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में, और डायरेक्टर कार्ड जो है वो बनती है IFTDA में, यानी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में। तो दोनों जो है वो कार्ड्स अलग अलग होती है और आपको अलग अलग बनवाना पड़ता है। अगर आप राइटिंग प्रोफेशन में हैं तो आप राइटर कार्ड बनवाएंगे, अगर आप डायरेक्शन प्रोफेशन में हैं तो आप डायरेक्टर कार्ड बनवाएंगे। अगर आप दोनों प्रोफेशन में हैं तो आपको राइटर कार्ड अलग और डायरेक्टर कार्ड अलग बनवानी पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट है CSA का। इन्होंने लिखा है, रोमन हिंदी मीन्स? देखिए, रोमन हिंदी मतलब होता है कि जो इंग्लिश के लेटर्स है उसमें आप हिंदी मीनिंग्स को लिख रहे हैं। जैसे अगर आपको लिखना है तुम क्या कर रहे हो, तो उसे हिंदी के लिपि में यानी देवनागरी में नहीं लिख करके आप रोमन में लिखेंगे TUM तुम, KYA क्या, KAR कर, RAHE रहे, HO हो तुम क्या कर रहे हो, फिर क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यूजुअली जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, फेसबुक में आप जैसे लिखते हैं, जो सोशल मीडियाज में आप लिखते हैं, तो वो जो है वो रोमन हिंदी ही होती है। बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि ये रोमन इंग्लिश है, लेकिन इसे रोमन इंग्लिश नहीं, इसे रोमन हिंदी कहा जाता है। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा कामले का। इन्होंने लिखा है, कैमरा डायरेक्टर लाते हैं क्या, कैमरामैन का होता है? देखिए, कैमरा जो है यूजुअली प्रोडक्शन जो टीम होती है वो प्रोवाइड करती है, यानी ये काम प्रोड्यूसर का होता है, जो प्रोडक्शन टीम होती है उनका होता है कैमराज वगैरह प्रोवाइड करना। और ऐसे बहुत सारे कैमरामैन के पास भी खुद का कैमरा रहता है, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन यूजुअली जो प्रोड्यूसर है वो रेंट पर या फिर उनका खुद का कैमरा होता है वो प्रोवाइड करते हैं शूटिंग के लिए। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को, और नेक्स्ट कमेंट है कमेंट ऑफ द वीक। कमेंट ऑफ द वीक में मैं एक अच्छे कमेंट को पिक करता हूं जो मुझे पसंद आता है। तो चलिए, कमेंट ऑफ द वीक में है फैशन फेम का कमेंट। इन्होंने लिखा है, सर ऐसी वैसी वेब सीरीज के तलाश में हूं, बहुत साल बाद कुछ अच्छा देखने मिला, फैन हो गया सर, फिर फैन सर।
तो इनका जो कमेंट है ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये फैशन वाली बीवी जो वेब सीरीज़ है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और यूजुअली ये जो वेब सीरीज़ है इसकी आगे के एपिसोड्स भी जल्द ही आएंगी, इसके स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। तो ये जो कॉमेडी का वेब सीरीज़ है ये जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फैशन फेम, आपको थैंक यू फ्रॉम द होल टीम ऑफ RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए, ये थे कुछ कमेंट्स जिनके आंसर्स मैंने दिए और आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.